अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल आपने देखा कि हमने ये दो टीम लगाई, एक ये और दूसरी वो रही, ठीक है ना। वो थोड़ी बहुत मुरझाई हुई लग रही है, लेकिन ये एकदम फर्स्ट क्लास है। आज दूसरी लगाई है इरफान, इस बंदे ने लगाई है, ठीक है ना। ये तीसरी है कल इस लाइन की, ठीक है ना। अभी बस मैंने सोचा है कि आज से गाँव की रेगुलर व्लॉगिंग करेंगे, तो बस मोटिवेट मी। यार कल मैंने बोला था कि आज बहुत ज़्यादा हवा है, लेकिन आज लगता है नज़र लग गई है, एक भी पेड़ की डाली नहीं मिल रही, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन फिर भी इरफान ने ये चक्की निकाली और फिर यहाँ पर लगाई है। यार गांव में बैठक में दो चीज़ मेन होती है, एक तो मुर्गा और एक कुत्ता ज़रूर होता है, और इन्जॉयमेंट करेंगे। ये कुछ जुआ वगैरह नहीं होती, लेकिन बस ऐसे ही चार पत्ती खेलते हैं। यार अभी जो सीज़न चल रही है ना, वो चल रही है राइस के है। ये देखे ना, ये अभी बीज है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, फिर हम सिंधी में बोलते हैं रोम्बा, ठीक है ना, वो लगाएंगे, उसके बाद फिर आप चावल वगैरह खाएंगे। यार अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत, आप देखते हैं आपकी मेहनत रंग ला रही है। दो साल पहले मैंने ये जामुन का, ठीक है ना, जामुन का पेड़ है और ये आम का, ये मैंने बीज लगाया था, ये केकड़ी लगाई थी, ठीक है ना। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कंडीशन। यार अभी जो है ना, घर वालों ने बोला कि आओ जमीनों से भिंडी तोड़ के लेके आओ। यही होता है जब आप शहर से घूम कर गाँव में आओ, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे खड्डा है और कहाँ पे नहीं। अभी तो खैर लेडी फिंगर तोड़िया है, जो आजकल तो हर बंदे की फेवरेट है। ये है मेरे साथ मिस्टर रईस से, ये रईस वो तोड़ रहा है। मैं भी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कैमरा बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं वो मोज़ा पहन के ये तोड़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, खारिश वगैरह होती हो जाती है, इसलिए वो बिना मेन है। तो कुछ मिनट बाद आपसे मिलते हैं तोड़ के, ठीक है ना। देखो सामने अभी दूसरी खेती के लिए ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ पे हल वगैरह लग रहा है। अभी वो वाली ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पे भी कुछ राय, वो जो मैंने आपको दिखाया ना राइस, उसमें ही। और ये सामने पीछे जुअर, हम बोलते हैं सिंधी में जुअर। आपको असल चीज़ का तब पता चलता है जब आपको वो चीज़ हो रही हो, या आपको एहसास तब आएगा जब आप उस चीज़ से गुजर रहे हैं। अभी मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना कसम से, अभी एहसास हो रहा है दूसरे लोग, किसान बेचारे, वो लोग कैसे करते होंगे कामयाब। लेकिन यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर उनको कोई भी चीज़ दिक्कत वगैरह नहीं कर सकती है ना, जैसे ये। और पहले की बदौलत आज मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि सोलर सिस्टम बहुत हो गया है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि 2012 से, हाँ 7-8 साल पहले हमारे गांव में एक सोलर की प्लेट भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लोग गुजारा कर जाते थे। 3-3 बजे तक लाइट नहीं आती थी, लाइट तो थी ही नहीं हमारे पास, फिर भी हम गुजारा कर सरवाइव कर जाते थे। लेकिन अब तो भाई लाइट गई पीछे, सोलर सिस्टम की जो पंखे की है वो भी हवा नहीं लग रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। यार ये रही 5 मिनट में, तो कितनी ज़्यादा है भिंडी, लेकिन ये पता नहीं क्यों निकाल दे मंडी के लिए, 70-80 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन फिर भी तो